चप्पल और झाड़ू से दनादन वार कर रही ये महिला सीमा है, जो बल्लभगढ़ के मलेरना रोड स्थित इस कनक प्रोविजनल स्टोर के मालिक गौरव के सिर पर चढ़े हवस के भूत को उतार रही है। सीमा का कहना है कि वह कामकाजी महिला है। वो कनक प्रोविजनल स्टोर के पास खड़े होकर अपने सहकर्मी से बात कर रही थी, तभी गौरव ने उसे गंदे इशारे करने शुरू कर दिए। यहाँ से रास्ते से जा रहे थे, गली में से, ये रोड में से, एक लेडीज को मैं ड्यूटी लगा रहा था, उसका ड्यूटी पता करके आ रहे थे और वो बंदा हम किसी से बात कर रहे थे यहाँ पे उसकी दुकान के पास खड़े होके अंकल से, तो उसने इतना गंदा बोला हमसे, बहुत ज़्यादा गंदा बोला, हमें गुस्सा आया। यूँ कह रहा कंपनी के मालिकों के साथ तुम सेट हो, ऐसे ऐसे गंदे गंदे काम करते हो, जब हमने उसको मारा। किसने कहा आपसे? सोनू ने। कौन है सोनू? वो दुकान वाला है। इससे पहले भी किसी के साथ कर चुका है ऐसा? नहीं जी, भतेरी लेडीजों के साथ बोल चुका गंदा गंदा। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की हुई है? नहीं, मैंने कहीं शिकायत नहीं की, मैं जा रही थी अंकल ने, सब ने, कंपनी के मालिकों ने मुझसे मना कर दिया, कह रहे कि माफ़ी मांग रहा है, तुम माफ़ कर दो, इसे मैं माफ़ नहीं कर रही थी। मैं कल दोबारा आई थी दोबारा मारने के लिए, मुझे सब ने मना कर दिया। तो आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ उसको सजा मिलनी चाहिए इस बात की, इतना गंदा बोल रहा। हम कंपनी में काम करने आते हैं, मेहनत करने आते हैं, क्या मालिकों से सेटिंग करने आते हैं। कनक प्रोविजनल स्टोर के आसपास के दुकानदारों का कहना है कि गौरव आदतन महिलाओं से बदतमीजी करता है। इससे पहले भी कई बार वह ऐसी हरकतों की वजह से महिलाओं से सरेआम पिट भी चुका है, लेकिन इसके बाद भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। तो बंदा आ रहा है, आए दिन किसी न किसी भी लेडीज को उल्टा सीधा बोलता रहता है, उस लेडीज को दो तीन बार बोल चुका, कल उसको गुस्सा आ गया तो उसने कल उसको पिटाई कर दी। पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है? कई बार इसको कंपनी वालों ने भी मारा है, ग्राहक भी मार के जा चुके हैं इसको कई बार, आए दिन ये मतलब साल में दो तीन बार ही पिटता रहता है। खास बात ये है कि आरोपी गौरव ने खुद भी स्वीकार किया है कि उसने महिला को गंदे इशारे किए हैं। हालांकि ऐसी हरकत पहले भी करने और उसकी वजह से पिटने से वह इनकार करता नजर आया। कुछ गलत इशारा कर दिया था? किसने? आपने? क्यों करते हो महिलाओं की तरफ गलत इशारे? बस गलत इशारा हो गया था। गलती से पहले भी आप दो चार बार पिट चुके हो इस मामले में? कई लोगों ने बताया है कि आपके साथ पहले भी मारपीट हो चुकी है। चप्पल और झाड़ू से भी पीट कर जब सीमा का जी नहीं भरा तो उसने गौरव को हवालात की सैर कराने की सोची, लेकिन वहां मौजूद लोगों के बीच बचाव की वजह से उसे छोड़ दिया। APTV भारत के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।